अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम हिबा एजाज एंड आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर मेरे से पढ़ा हुआ है। तो अब हम अपना सेकेंड ईयर का सिलेबस फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। टोटल आप लोग के हैं 9 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन केस कुछ समझ ना आए तो फ्रीली मुझसे पूछें एंड आई आंसर। तो सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें ये समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इट्सेल्फ क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं ना, उनको मैनेज करते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं आपके पास? कीबोर्ड, आपके माउस, ये सारे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। इसके अलावा आपके जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपके MS Word, आपके गेम्स, ठीक, ये सारी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। ये कैसे मैनेज करेगा? कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इसके दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगा और ये एज एन इंटरफेस काम करेगा कि अगर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो OS उसको सपोर्ट करेगा। ओके, जैसे कि हम लोग जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज़ की स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, डिफरेंट आइकन्स ऑप्शंस आ जाती हैं। हमने कोई भी गेम चाहिए, हमने कुछ भी चलाना चाहते हैं तो हम लोग वो ईजीली चला सकते हैं। कैसे? कि वो जो हमारा MS Word है या कोई गेम है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सप्लाई करेगा। ओके, अब हमारा क्या है उधर? OS क्या कर रहा है? एक इंटरफेस का काम कर रहा है। अब मेन हार्डवेयर रिसोर्स कौन सा है? सबसे हमारा मेन हार्डवेयर रिसोर्स कौन सा है? CPU, ठीक है। ये एक चिप होती है कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस को ऑपरेट करना है। अगर कोई माउस, प्रिंटर, किसी ने कोई काम भी करना है तो उसको क्या ज़रूरत है? किसकी? CPU की ज़रूरत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए CPU की ज़रूरत है। जैसे MS Word है, ठीक है, या कोई गेम है, उसको भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए CPU की ज़रूरत होगी, ठीक। एंड CPU है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो बहुत बिजी हो जाएगा। हर किसी को इसी ने फैसिलिटेट करना है, ठीक है। इसके क्लाइंट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, CPU पर बर्डन आ जाता है, ठीक। अब CPU को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो CPU के लिए एक स्केड्यूल बनाए, एक टाइम टेबल बनाए, ताकि CPU के लिए काम करना आसान हो जाए। ओके, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि CPU किस फंक्शन को कितना काम करे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर एक डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है, डॉक्यूमेंट 3 है, अब CPU के पास, इसको भी CPU की ज़रूरत है, इसने भी अपनी प्रोसेसिंग करनी है, इसने भी अपनी प्रोसेसिंग करनी है। अब CPU डिसाइड करेगा कि D1 को कितना टाइम दे, D2 को कितना टाइम दे और D3 को कितना टाइम दे, ठीक है। तो ये सारा काम CPU के लिए स्केड्यूल बनाना किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जिस तरह गवर्नमेंट मुल्क को संभाल रही है, ठीक है, आवाम को फैसिलिटेट कर रही है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज को फैसिलिटेट करती है। ओके, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जब ज़रूरत पड़ती है किसी हार्डवेयर डिवाइस की तो OS सब मैनेज कर रहा है। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास, जैसे इधर मैं डायग्राम एक सेकेंड ड्रॉ करने दें प्लीज़। हमारे पास ये एक MS Word की फ़ाइल है, ओके। अब इसने क्या होना है? इसको एग्जीक्यूट होना है। तो एग्जीक्यूट होने के लिए पहले ये क्या करेगी? मेन मेमोरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RAM, उसमें जाएगा ये फ़ाइल। और फिर उसके बाद हमारे पास ये फ़ाइल क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। अब इस फाइल को मेन मेमोरी में आना है ताकि ये CPU इसके ऊपर काम कर सके।
मेन मेमोरी में ये कैसे आएगी, हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है समझे, वहाँ से इसने मेन मेमोरी में आना है, कौन इसको लेकर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे इस फाइल ने सीपीयू के पास जाना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो कौन लेके जाएगा इसको सीपीयू तक, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मेन मेमोरी के सारे ऑपरेशंस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मेन मेमोरी मतलब कि रैम में डाटा आना है, उससे जाना है, ओएस सब कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अब हमें कोई भी फाइल है समझे, डॉक वन डॉट डॉक, ठीक है, या मैं इसको कर लेती हूँ ए वन डॉट डॉक। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इसको हम लोग कहीं सेव कर लें। ओके, तो ये सेव करना या कहीं भी एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करना, यूएसबी में सेव करना, तो ये सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि जितनी भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उन सबको स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक, और इन फाइल्स और फोल्डर्स पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, हमने कोई न्यू फोल्डर बनाना है, कॉपी करना है, पेस्ट, डिलीट, सब क्या कर रहा है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है मेन मेमोरी के ऑपरेशंस, के हमारे पास हार्ड डिस्क में कोई फाइल पड़ी हुई है उसको मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, मेन मेमोरी से हम लोग सीपीयू की तरफ लेके जा रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी फाइल्स अगर क्रिएट हो रही हैं वो, और उनको हम लोग किसी जगह पे प्लेस कर रहे हैं, वो सारे काम भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम है कि ये मल्टी टास्किंग अलाउ करता है। ओके, मल्टी टास्किंग क्या होती है, मल्टी टास्किंग क्या होती है कि दो ऐप्स हमारे पास, एक ऐप हो गई वर्ड हम लोग खोलना चाहते हैं, एक हम लोग एक्सेल पे काम करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली साथ साथ, तो दो टास्क एट अ टाइम सीपीयू के ऊपर रन कराने हैं, तो ये हमें कौन अलाउ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एक कंप्यूटर है C1, ठीक है, आप लोग ने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, ठीक है, आपको प्रिंटर की ज़रूरत है, और एक और कंप्यूटर है C2, ओके, आपको प्रिंटर की ज़रूरत है लेकिन आपके पास प्रिंटर नहीं है, C2 के पास क्या है, प्रिंटर है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि C1 और C2 कंप्यूटर को एक LAN लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट बना ले, ठीक है, इन दोनों को C1 और C2 को एक नेटवर्क का पार्ट बना ले और C1 C2 के प्रिंटर को यूज़ कर सके। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि पर्सनल कंप्यूटर्स को हम लोग किसी कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बना सकें और कोई भी हार्डवेयर डिवाइस शेयर कर सके, जैसा कि यहाँ पे हमने प्रिंटर की एग्जांपल दी है। इसके बाद हमारे पास अगर कोई भी हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, जैसे हमारे पास तो कीबोर्ड कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, कीबोर्ड कनेक्ट हुआ हुआ है, तो अगर वो फेल हो जाता है, माउस कनेक्ट हुआ हुआ है उसका फेलियर आता है, तो ये सब कुछ डिटेक्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र नेम हम लोग सेट कर सकें, हम लोग पासवर्ड सेट कर सकें, अपनी किसी भी एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। अगर आप लोग अपना लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपने अपने पासवर्ड सेट किया हुआ है, जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे आप आगे किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक, तो ये पासवर्ड सेट करने की सारी फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो मल्टीटास्किंग के बाद हमने पढ़ा कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एक तो हार्डवेयर फेलियर डिटेक्ट करता है, हार्डवेयर फेलियर डिटेक्शन, उसके अलावा हमने पढ़ा कि हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड हमें अलाउ करता है कि हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क का पार्ट बना सकें, allow our personal computer to become a part of network। okay,
आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमने पढ़ना है। हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। ठीक, आपको मैं बुक से दिखा देती हूँ कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी हमने पढ़ ली। ओके, कि बेसिक फंक्शनैलिटी क्या प्रोवाइड करता है। अब हमने देखना है कि कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास कौन कौन से। तो यहाँ पर हमारे पास जो बुक में मेंशन है और जो कॉमनली यूज्ड हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो हैं हमारे पास डॉस, विंडोज़, ये मैकिंटोश ओएस और यूनिक्स लिनक्स। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, स्टार्ट लेंगे, हम लोगों ने कौन कौन से देखने हैं, डॉस, विंडोज एंड देन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड उसके बाद हमने देखना है यूनिक्स को। ओके, डॉस से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इस डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात पहले ही की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इसी तरह डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कंप्यूटर सही तरह वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सिस्टम का कोई भी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हमारे पास मेमोरी है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, सबको कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हमें डॉस की ज़रूरत है। और ये किसने डिज़ाइन किया है, डॉस, IBM ने। डॉस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं कि ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि IBM ने मैन्युफैक्चर किया है और मिड 1990s तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इन यूज़ रहा। ओके, उसके बाद हमारे पास अब मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं जो कि हम अभी देखेंगे, विंडोज़ आ गए, मैक आ गए, लेकिन इन सब से पहले हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा इन यूज़ था। हमने ये देखना है कि डॉस को डॉस कहा क्यों जाता है। ठीक है, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको डॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क पर ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। ओके, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो इंटरफेस होता है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस से क्या मतलब है कि अगर आपने कंप्यूटर से कोई बात करनी है, कंप्यूटर से कोई इंटरेक्शन करनी है, तो आपको पूरी पूरी क्या करनी पड़ेगी, कमांड्स को टाइप करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें तो उसके अंदर आप लोग अगर लिखें DIR, ओके, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाती हैं जिसके अंदर होगा रीनेम की कमांड होगी, CD की कमांड होगी, ठीक है, DIR की कमांड होगी। डिफरेंट कमांड्स हैं जिस जो कंप्यूटर से डिफरेंट किस्म के काम लेने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे अगर आपने कोई डायरेक्टरी चेंज करनी है, अगर आप अभी सी ड्राइव में हैं, ओके, आप चाहते हैं कि मैं डी ड्राइव में चला जाऊं, डी ड्राइव में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो आप CD की कमांड यूज़ करेंगे। एक फ़ाइल आपके पास है ABC पड़ी हुई है, ठीक है, अब आपने इस ABC फाइल को रीनेम करना है। अभी तो आप लोग विंडोज़ में क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम के ऑप्शन में जाते हैं और उसको डायरेक्टली रीनेम कर लेते हैं, XYZ कर लिया आपने। लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप इसको रीनेम करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके लिए एक कमांड लिखनी पड़ेगी। ओके, रीनेम की कमांड। ओके, इसके अलावा आपके पास और बहुत सी कमांड्स हैं, DIR कि कोई भी आपने डायरेक्टली डिस्प्ले करनी है, कोई भी फाइल डिस्प्ले करनी है, ठीक, जैसे कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है, डायरेक्टरी है, सी डायरेक्टरी में आप देखना चाहते हैं क्या क्या है, ठीक, तो
तो इसके लिए अभी तो आप लोग ओपन करेंगे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि सी में ये आप लोग अपने विजुअली आपको नज़र आ जाती है विंडोज़ में। लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या था, आपको कमांड देनी पड़ेगी DIR की, ओके। इसके थ्रू आप लोग डायरेक्टरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई भी फाइल है उसको डिलीट करना है तो डेल की कमांड देनी पड़ेगी। एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आपने कॉपी करना है तो आपको कॉपी की कमांड्स देनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट की कमांड देनी पड़ेगी, ओके। तो ये क्या था, हमारे पास जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, ठीक है। आपको पूरी पूरी कमांड्स याद करनी पड़ेंगी। तो अर्ली 1990s में रिप्लेस हो गया डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से। डॉस के टाइम पर इतनी तरक्की नहीं हुई हुई थी ना, हमारे पास तो GUIs अवेलेबल नहीं थे। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ओके। पर जैसे जैसे सक्सेस हुई, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मिड 1980s में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ओके। तो नेक्स्ट वन में देखना है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा है और डॉस आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होता गया और अब बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। रीज़न ये है कि विंडोज़ के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को लाया गया, ओके। अब कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें ग्राफिक्स अवेलेबल है, हमें कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है तो अब कमांड्स याद नहीं करने की ज़रूरत। कोई डिफरेंट आइकन्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी मदद से हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई भी ABC फाइल है उसको कोई सर्च करना है तो सिंपल सर्च बार में जाएंगे ऊपर, उस पर ABC लिखेंगे, आपके पास फाइल आ जाएगी। सी ड्राइव को अगर आप सिंपल डबल क्लिक करें, ठीक है, डबल क्लिक करें सी ड्राइव को, तो आपके पास आगे आइकन उसका ओपन हो जाएगा और उसके अंदर लाइक जो कुछ है वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास विंडोज़ के अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या थी कि इसके अंदर GUI था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। हर चीज़ ग्राफिक्स की फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में हमें नज़र आ रही है, बस डबल क्लिक किया या राइट क्लिक किया आप उस पर आगे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इसके अंदर क्या है, ईजी टू यूज़ है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज़ किसने बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, और इसके डिफरेंट वर्जन्स अब निकालता रहता है माइक्रोसॉफ्ट, ओके। तो जो है माइक्रोसॉफ्ट 95 आया, विंडोज़ 95 आया, विंडोज़ 98, फिर मिलेनियम, फिर हमारे पास XT आया, विस्टा आया, एक्सेट्रा। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। हर न्यू आने वाला वर्जन पहले से बेहतर होता है, न्यू फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये डॉस बेहतर है, विंडोज़ बेहतर है, मैक बेहतर है, यूनिक्स बेहतर है। हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपनी जगह कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई प्लस पॉइंट होता है, ओके। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है अभी, तो अब हम देखेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। डॉस हमने देख लिया, ठीक है, विंडोज़ हमने देख लिया, अब हम देखना चाहते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, पोटैटो इनकॉर्पोरेशन है। पोटैटो इनकॉर्पोरेशन है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। पहले हमने विंडोज़ को देखा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम HP के कंप्यूटर्स में भी चलता था, वो डेल के कंप्यूटर्स में भी चलता था और बहुत सी कंपनीज के लैपटॉप्स में भी। बट जो मैक है ना, वो स्पेसिफिकली एप्पल कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अभी हम मैक को देख रहे हैं, ओके। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंपैरेटिवली महंगा है विंडोज़ के मुकाबले में, और इसकी महंगी होने की रीज़न ये है कि उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, ठीक है, बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। लाइक माइक्रोसॉफ्ट, पोटैटो इनकॉर्पोरेशन ने भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स निकालता रहा है, ओके। हमने विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स का बताया था कि विंडोज़ क्या विस्टा आ गया, XP आया, डिफरेंट वर्जन्स आए। इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्या है, हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है, मैक में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज़ के निस्बत नहीं बनाए गए, ठीक है। मैक के एप्लीकेशन
जो है सॉफ्टवेयर्स वो कंपैरेटिवली कम है, बल्कि काफ़ी कम है विंडोज़ में। विंडोज़ में हर कोई काम कर रहा है, इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बढ़ते जा रहे हैं, मैक स्पेसिफिकली एप्पल के लिए है, तो इसके डेवलपर्स भी हमारे पास कम हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, आई होप आप लोग को डॉस, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हमारे पास ना डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। ओके, जैसे मैंने अभी बताया पहले, यूनिक्स भी एक और टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कब बनाया गया, अर्ली 1970s में, और किसने बनाया, बेल लेबोरेटरीज बेल लेबोरेटरीज में ये बनाया गया बाय केन थॉम्सन। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में बनाया गया, सी लैंग्वेज में बनाया गया, और इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर ये प्रोवाइड करता है, इसके साथ जो सिक्योरिटी है ना वो भी बहुत बेहतर प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये कहाँ पे हमारे पास नीड इसकी है, एक तो प्रोसेसिंग पावर में, और दूसरा हमारे पास ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कि मैलवेयर अटैक्स जो हैं वो बहुत कम इसके अंदर होते हैं, इन कंप्यूटर्स के अंदर जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, और माइक्रो कंप्यूटर से लेकर मेन फ्रेम तक हर किसी के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। माइक्रो कंप्यूटर्स पर ये इतने पॉपुलर नहीं है जिन पर पहले से विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो प्री इंस्टॉल विंडोज़ हमें मार्केट से मिलते हैं, वो वाले कंप्यूटर्स जिनके अंदर पहले से विंडोज़ इंस्टॉल कर दी गई हो, उसके अंदर यूनिक्स को इंस्टॉल करना लाइक इतना पॉपुलर नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग ने क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप अगर आप लोगों को सब कुछ समझ आ गई है, कोई भी इशू है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।